ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की यह यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज की 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओस, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वॉटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे।
नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छताए जन शक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है, जो अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे, शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया, तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी, कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों की हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है। और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की, और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पर बैठते, नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया।
आर्थिक नुकसान होगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथ ही इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई। इन 10 सालों में, और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं उसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले, अपन आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा ये हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे, गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई, समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व तो समझकर, मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की, और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं,
ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था, शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा दिन भर परेशानी झेलती थी और रात में बाहर जाती थी, तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में शौच के कारण जो गंदगी होती थी उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमने इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है। और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था वो 100% पहुंच गया। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है। इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और
ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके एक बच्ची किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है, इसके मुताबिक साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50 हजार रुपये बच रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंधा न करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे। साथियों, स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई। गंद के साथ क्या क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत की बड़ी वजह स्वच्छ भारत मिशन से आई जन जागृति, ये साफ सफाई है। साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था, और कोई आकर के स्वच्छता करे जो उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे, उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं, और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके
सामान्य परिवार साफ सफाई करने वाले को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी ये कड़ी मेहनत कर रहा है। यानी स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों को गौरव दिलाया है। हमारी सरकार सफाई मित्रों की जीवन की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है कि सेप्टिक टैंक्स में मैनुअल एंट्री से जो संकट आते हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। कई नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है इतना भर नहीं है, इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ, वहां लोगों को नौकरियां मिली। गांवों में राजमिस्त्री, प्लंबर, लेबर ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ न कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था, इन दिनों महिला राजमिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही है। अब क्लीन टैक्स से और बेहतर नौकरियां, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को मिलने लगे हैं। आज क्लीन टैक्स से जुड़े करीब 5000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रियूज और रिसाइकलिंग में हो, ऐसे अनेक अवसर वॉटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। एक अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जॉब्स बनेगी और इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई गति दी है। घर से निकले कचरे आज कंपोस्ट, बायोगैस, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकोल जैसा सामान बना रहे हैं। आज गोवर्धन योजना गांव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना के तहत गांवों में सैकड़ों बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं किसान, कभी कभी उनके लिए जो पशु वृद्ध हो जाता है उसको संभालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ बन जाता है। अब गोवर्धन योजना के कारण वो पशु जो दूध भी नहीं देता है या खेत में काम भी नहीं कर सकता है, वो भी कमाई का साधन बन सके, ऐसी संभावना इस गोवर्धन योजना में है। इसके अलावा देश में सैकड़ों सीबीजी प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। आज ही कई नए प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है, नए प्लांट्स का शिलान्यास किया गया है। साथियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में
आज हमें स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को भी समझना जानना जरूरी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा। और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां है, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई है। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल है। लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता का कितना बड़ा संबंध टूरिज्म से है, और इसलिए अपने पर्यटक स्थलों, अपने आस्था के पवित्र स्थानों, हमारी धरोहरों को भी हमें साफ सुथरा रखना है। साथियों, हमने स्वच्छता को लेकर इन 10 वर्षों में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन जैसे गंदगी करना ये रोज का काम है, वैसे स्वच्छता करना भी रोज का ही काम होना ही चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, प्राणी नहीं हो सकता है कि वो कहे कि नहीं मेरे से गंदगी होगी ही नहीं। अगर होनी है तो फिर स्वच्छता भी करनी ही होगी। और एक दिन, एक पल नहीं, एक पीढ़ी नहीं, हर पीढ़ी को करनी होगी, युगों युगों तक करने वाला काम है। आज जब हर देशवासी स्वच्छता को अपना दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है, तो साथियों मेरा इस देश के वासियों पर इतना भरोसा है कि परिवर्तन सुनिश्चित है। देश का चमकना ये सुनिश्चित है। स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। स्वच्छता हर नागरिक की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह हमें हर रोज करना चाहिए। गंदगी के प्रति हमारे भीतर एक नफरत पैदा होनी चाहिए। हम गंदगी को टॉलरेट न करें, देख न पाए, ये स्वभाव हमने विकसित करना चाहिए। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती है और मजबूत भी कर सकती है। हमने देखा है कि कैसे घरों में छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई को लेकर बड़ों को मोटिवेट करते रहते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि मेरा पोता, मेरा नाती ये टोकता रहता है कि देखो मोदी जी ने क्या कहा है, तुम क्यों कचरा ज्यादा डालते हो, कार में जा रहे हैं बोले बॉटल क्यों बाहर फेंकते हो, बॉटल रुकवा देता है। यह आंदोलन की सफलता उसमें भी बीज बो रही है। और इसलिए
आज मैं देश के युवाओं को, हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों को कहूंगा, आइए हम सब मिलकर के डटे रहें।